हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश चैनल विद मी एकता शर्मा। और आज हम पढ़ने हैं अपनी पोएम जो हम कल पढ़ रहे थे, सेवन एजेज ऑफ मैन। तो उसका ही जो पार्ट टू है उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था यहाँ इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। इसके बाद की एज जो है मनुष्य की, उसके बारे में यहाँ आगे जो विलियम शेक्सपियर है वो हमें बता रहे हैं। तो कल हमने जो पढ़े थे उसके अंदर हमने पढ़ा था, एक तो इन्फेंट एज पढ़ी थी, उसके बाद में हमने पढ़ा था जो स्कूल बॉय की एज आती है बच्चे की, उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद में हमने लवर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने सोल्जर पढ़ा था। चार जो स्टेज है ह्यूमन बीइंग की उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। इसके बाद में आज जो पांचवी स्टेज है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप कल वाला आपको पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, आपको पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, चार जो स्टेज है ह्यूमन बीइंग की। तो इसके बारे में जो पांचवी स्टेज है उसके बारे में हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं। और ये जो पांचवी एज है ह्यूमन की उसके बारे में बताया, वो किसकी एज आती है, यहाँ जस्टिस की। तो देखो पढ़ते हैं हम आगे की एंड देन द जस्टिस। तो यहाँ पे बताया कि एंड देन और फिर क्या आता है, जस्टिस। जो ह्यूमन है उसकी जो पांचवी स्टेज है वो जस्टिस की होती है। जस्टिस मीन्स जो न्याय करने वाला होता है। तो न्यायाधीश की भूमिका में या न्याय करने वाले व्यक्ति की भूमिका में वो जो मनुष्य है वो अपनी पांचवी स्टेज में आ जाता है। अब इस एज के अंदर जो ह्यूमन है वो कैसा हो जाता है इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो वो कैसा होता है कि इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपन लाइन। तो इन फेयर राउंड बेली, फेयर फेयर मतलब अच्छा खासा जो राउंड है गोल मटोल, बेली यहाँ पेट होता है। तो ये बोल रहा है कि उस जस्टिस की जो स्टेज में जब मनुष्य आता है तो उस स्टेज में मनुष्य का जो बेली है, जो उसका पेट है, तो वो पेट एकदम राउंड हो जाता है, गोल मटोल हो जाता है, अच्छा खासा गोल मटोल, यानी उसकी तोंद है वो बाहर निकल आती है। और किससे, विद गुड केपन लाइन। केपन जो चूजा होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ बताया कि अच्छा खासा जो चूजा है वो उसके पेट में भर जाता है, मीन्स वो मीट खा करके या जो मांस है वो जो केपन का खा करके उसका जो पेट है वो बाहर निकल आता है, उस पे लाइन जो है वो बन जाती है। तो जो अच्छा खासा जब मोटा पेट हो जाता है तो उसके पेट पे जब लाइनें आ जाती है बाहर, तो उसके बारे में यहाँ इसने जो शेक्सपियर है उन्होंने अपने को बताया है। इसके बाद में इसने बताया है कि उसका जो पेट है वो ऐसा केपन से भर करके जो बाहर निकल के आ जाता है, उसके बाद में उसकी आईज है वो कैसी हो जाती है, उसकी बियर्ड जो लेपर्ड के समान बढ़ी हुई थी तो अब वो कैसी हो जाती है। सोल्जर की एज में बताया था कि उसकी जो बियर्ड है वो एकदम लंबी हो जाती है, एकदम बढ़ जाती है लेपर्ड के समान, तेंदुए के समान। तो अब जब वो जस्टिस की स्टेज में आता है तो पेट तो उसका बड़ा तोंद से भरा हुआ हो जाता है, केपन से उसका पेट है वो भर जाता है, और उसकी जो आईज है वो एकदम सेवर हो जाती है, मतलब एकदम गंभीरता से भरी हुई उसकी आईज है वो हो जाती है, अब गंभीर हो जाती है वो। और उसकी जो बियर्ड है, जो उसकी जो दाढ़ी है जो लेपर्ड के समान बढ़ी हुई थी सोल्जर की स्टेज में, अब वो क्या हो जाती है, एकदम फॉर्मल कट में वो आ जाती है, मतलब एकदम कटी हुई होती है अच्छी प्रकार से। तो एकदम वो गंभीर व्यक्ति के समान वो हो जाता है, बुद्धिमान के समान वो दिखाई देने लग जाता है। और उसके वो क्या होता है, फुल ऑफ वाइज सोच एंड मॉडर्न इंस्टेंसेज। और वो जो ह्यूमन है जस्टिस की स्टेज में जो ह्यूमन है वो एकदम क्या हो जाता है, फुल ऑफ वाइज सोच, सोच यानी जो कहावते हैं, इंस्टेंसेज यानी जो उदाहरण है, मॉडर्न इंस्टेंस मतलब जो आधुनिक उदाहरण है, और जो सोच मतलब जो कहावते हैं बुद्धिमता से भरी हुई, उनसे वो परिपूर्ण होता है। मतलब जब भी वो बात करता है तो अब कहावतों और उदाहरणों के माध्यम से ही वो बातें करता है। क्यों, क्योंकि वो एकदम जस्टिस की स्टेज में है और वो एकदम बुद्धिमान की जो भूमिका है वो यहाँ पे वो निभाता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपने पार्ट को प्ले करता है, अपना रोल है वो प्ले करता है, अपनी जो फिफ्थ स्टेज है उसको वो यहाँ कंप्लीट करता है। उसके बाद में उसकी सिक्स्थ एज है वो आती है। तो फिफ्थ जो एज है उसकी, उसमें क्या क्या हो जाता है, उसका पेट है वो एकदम राउंड हो जाता है, तो बाहर आ जाती है, वो केपन खाता है, और उसकी आईज है वो एकदम सेवर हो जाती है, गंभीर हो जाती है, उसकी बियर्ड है वो एकदम कट फॉर्मल कट में होती है, और वो एकदम अच्छे जो वाइज सोच है वो मॉडर्न इंस्टेंस है वो यूज में लेता है अपनी बातों में। और इस प्रकार से उसकी जो पांचवी स्टेज है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में आती है उसकी सिक्स्थ एज।
तो उसकी जो सिक्स्थ एज है मींस उसकी जो छठी अवस्था है वो शिफ्ट हो जाती है, बदल जाती है। अब किस में बदल जाती है? सिक्स्थ एज में जैसे ही वो आता है तो वो हो जाता है एकदम इनटू द लीन, एकदम दुबला पतला हो जाता है। एंड स्लीपर पेंटलून, स्लीपर यानी वो चप्पल पहने हुए होता है। स्लीपर अपन जो स्लीपर पहने रहते हैं एकदम जो फ्लैट चप्पल होती है, मींस एकदम से वो थोड़ा सिक्स्थ एज में पतला दुबला पतला हो जाता है, वो चप्पल पहने हुए होता है। पेंटलून यानी एकदम से वो मूर्ख व्यक्ति के समान, बूढ़ा मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसके समान वो दिखाई देता है। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, उसके नाक के ऊपर जो स्पेक्टेकल्स है, जो चश्मा है वो चढ़ा हुआ होता है। एंड पाउच ऑन साइड, अब यहाँ पे देखो ये जो पन जो होता है, जो फिगर ऑफ स्पीच पन होता है उसको यहाँ इसने यूज में लिया है। तो पाउच है वो थैली को भी बोलते हैं, मतलब एक तो इसका अर्थ निकलता है कि वो अपने साइड में एक पाउच है, वो थैला वो लिया हुआ रहता है। या फिर हम बोल सकते हैं जो ढीली जो स्किन है उसकी बगल में साइड में उसके, जो जब हम बूढ़े हो जाते हैं हमारी एज जब, अब इसने सिक्स स्टेज में जब इसने बताया है कि जब सिक्स स्टेज में वो जाता है मींस वो बूढ़ा हो गया है, क्यों? क्योंकि वो पतला भी हो गया है। अब वो चप्पल पहने हुए हैं, मूर्ख व्यक्ति के समान, बूढ़े मूर्ख व्यक्ति के समान वो दिखाई देता है। उसकी नाक पे चश्मा है और उसकी जो स्किन है जो कि ढीली पड़ गई है वो एक साइड में, मतलब उसके बगल में वो लटकती रहती है। हिज यूथफुल होज वेल सेट ए वर्ड टू वाइड फॉर हिज शम शैंक, तो इसमें बताया कि यूथफुल होज, उसके जो यूथफुल यानी उसके जो युवावस्था में जो होज, होज यहाँ पे सॉक्स के लिए आए कि उसके जो जुराब थे युवावस्था वाले, जो एकदम जो लंबे पैरों के ऊपर घुटनों तक रहते हैं वो जो जुराब थे, जो कि वेल सर्व्ड मतलब अच्छे से उसने बचा के रखे हुए थे, वो क्या हो जाते हैं? एवर टू वाइड, वो बहुत ही चौड़े हो जाते हैं, एकदम ढीले ढाले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अब लीन हो गया है, एकदम दुबला पतला हो गया है। तो वो जो उसके होज है, जो युवावस्था के होज है, वो एकदम से वाइड हो गए हैं, वो चौड़े हो गए हैं। फॉर हिज शंख संग, उसके जो शंख मतलब उसका जो एकदम सिकुड़ा हुआ जो शंख, उसके जो बॉडी है एकदम सिकुड़ी हुई जो बॉडी है उसके लिए, उसके सिकुड़े हुए शरीर के लिए, उसके जो पतले दुबले पतले जो टांग है उसके लिए, उसके जो होज है वो एकदम वाइड हो जाते हैं, यहाँ पे चौड़े हो जाते हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और इसकी जो बिग जो मैनली यानी मर्दानी जो आवाज है, उसके जो एकदम मर्दानी आवाज मतलब एकदम जो अच्छी खासी जो जो स्ट्रोंग आवाज होती है उसके बारे में बताया कि उसकी जो एकदम अच्छी खासी भारी जो मैनली यानी जो स्ट्रोंग आवाज है, जो मर्दानी उसकी जो वॉइस है, जो आवाज है, वो क्या हो जाती है? टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, वो टर्निंग मतलब वो एकदम मुड़ जाती है, बदल जाती है। किसकी तरह बदल जाती है? जो चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स है, चाइल्डिश मतलब बचपन के अंदर जो छोटा बच्चा होता है उसके जो ट्रेबल पाइप्स मतलब जो ऊंची भी आवाज होती है और एकदम पाइप यानी सीटी के समान जो बजती है, तो एक ऊंची जो सीटी के समान बजने वाली जो आवाज है उसके अंदर उसकी जो एकदम बड़ी जो मैनली जो वॉइस है उसकी, एकदम जो मर्दानी आवाज है उसकी, वो चेंज हो जाती है एकदम बच्चों के समान सीटी बजाने वाली ऊंची आवाज के अंदर, और क्या हो जाता है? एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसके साउंड के अंदर उसकी जो आवाज निकलती है जैसे जैसे वो बोलता है उसमें क्या आती है? विसल जो है, सिटी की जो आवाज है वो इसमें निकलती है। तो इसमें बताया है कि उसके जो पैर है वो एकदम अब एकदम वो लीन हो गया है, उसने स्लीपर पहनी हुई है, एकदम बूढ़े मूर्ख व्यक्ति के समान वो दिखता है, उसके नाक पे चश्मा है, उसकी जो जो स्किन है ढीली पड़ी हुई वो बगल में लटक जाती है, उसके युवावस्था के जो होज है, जो जुराब है जो उसने अच्छे से बचा के रखे थे वो अब एकदम चौड़े हो गए हैं, ढीले ढाले हो गए हैं। किसके लिए? फॉर हिज शैंक सैंक, उसके जो एकदम दुबले पतले जो टांगे हैं सिकुड़ गई है उसके लिए, उसके जो होज है जुराब है वो अब एकदम से बड़े हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, और उसकी जो बिग मैनली वॉइस है, जो उसकी अच्छी खासी मर्दानी जो आवाज है, भारीपन लिए हुए जो आवाज है, वो दोबारा से बच्चों के समान जो ऊंची तेज आवाज है, पतली आवाज है, उसमें वो बदल जाती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसके साउंड में उसकी आवाज में जो विसल्स है, जो सीटी की आवाज है, वो वापस से बजने लग जाती है। क्योंकि जब मनुष्य बूढ़ा होता है तो उसकी आवाज है वो एकदम पतली हो जाती है, और कई बार ऐसे विसल्स के समान उसकी जो आवाज है वो निकलने लगती है। लास्ट सीन नो फॉल, अब आता है इसका जो सेवंथ एज है उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि अब लास्ट सीन आता है नो फॉल। इन सब जो सिक्स जो स्टेज इसने क्रॉस करी है, इसने जो पार करी है, उसके बाद में उसकी सेवंथ स्टेज है वो ह्यूमन बीइंग की आती है, और ये होता है एकदम लास्ट सीन
मनुष्य का। अब क्या होता है, दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और ये जो लास्ट सीन है वो एंड कर देता है, खत्म कर देता है किसको, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ये जो स्ट्रेंज यानी जो अजीब विचित्र जो इवेंटफुल हिस्ट्री है, घटनाओं से भरी हुई, इवेंटफुल यानी घटनाओं से भरी हुई हिस्ट्री, जो इतिहास है, इतिहास मतलब ये जो उसकी स्टोरी है पूरी, जो मनुष्य ने जो सिक्स एज जो कम्प्लीट करी है, उस इवेंटफुल जो हिस्ट्री है, जो विचित्र इवेंटफुल जो हिस्ट्री है, उसका ये जो लास्ट सीन है उसको एंड कर देती है, मतलब उसके सारे जो सीन है अब यहाँ पे आकर के खत्म हो जाते हैं, उसकी जो स्टेज है वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। और ये जो सातवीं जो स्टेज मनुष्य की बताई है वो क्या होती है, इसको दूसरा नाम भी इसने दिया है विलियम शेक्सपियर ने, वो क्या नाम दिया है, इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवन, ओब्लिवन इसको क्या नाम दिया है, इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, तो ये दूसरा जो बचपन है, इसने यहाँ दूसरा बचपन इसको बताया है, एंड मेयर अब्लिवियन, इसको केवल क्या बताया है, एकदम अब्लिवियन यानी एकदम विस्मृति के समान, विस्मृति यानी एकदम भूले बिसरे याद के समान यहाँ बताया है, क्योंकि यहाँ जब सेवन स्टेज मनुष्य की आती है तो वो एकदम हर एक चीज को भूल जाता है, वो वापस से अपने बचपन की अवस्था में आ जाता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई भी चीज जैसे याद नहीं रहती है एकदम, वो उसके जो दांत है वो भी नहीं होते, उसकी आईज भी इतनी स्ट्रोंग नहीं होती है, टेस्ट भी उसको नहीं पता होता है, तो जैसे बूढ़ा आदमी होता है वो दूसरे बचपन की अवस्था में वो आ जाता है, इसको दूसरा बचपन भी बोला जाता है, जो कि केवल क्या होता है, अब्लिवियन होता है, अस्पष्ट होता है, विस्मृति से भरा हुआ होता है, एंड सेंस टीज सेंस आईज सेंस टेस्ट सेंस एवरीथिंग, जो कि दांतों के बिना, सेंस जो है वो विदाउट को यहाँ शो कर रहा है कि वो दांतों के बिना होता है, जैसे बचपन में मनुष्य के जो बच्चा होता है उसके दांत नहीं होते हैं, वैसे वृद्धावस्था में दांत वो सारे गिर जाते हैं, बचपन में जैसे आईज है वो वीक होती है, इतनी स्ट्रोंग नहीं होती, वैसे ही जब मनुष्य का जो सेवन्थ स्टेज में जब वो आता है, जब बूढ़ा हो जाता है, तो यहाँ आईज है वो भी वापस से वीक हो जाती है, उसको टेस्ट का भी नहीं पता रहता, वो जो मनुष्य है वो हर एक चीज से रहित हो जाता है, हर एक चीज के बिना वो रह जाता है, तो यहाँ इसे जो सेकेंड चाइल्डिशनेस है वो यहाँ बताया गया है, जो विस्मृति से भरा हुआ है। और यहाँ विलियम शेक्सपियर की जो पोएम है द सेवन एजेज ऑफ मैन, यहाँ अपनी वो कंप्लीट हो जाती है। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें वो समझ में आ गई होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम इसको माना जाता है। कहाँ तक समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको क्या जो भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके बाय।